हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज हम एक नई जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। दोस्तों जी हाँ, आज हम कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं एक्सप्लोर करेंगे, बट जयपुर में बहुत सारे प्यारे प्यारे कैफेज है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप हैंग आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। लेकिन आज जिस कैफे में हम जा रहे हैं वो बहुत ही अपने आप में एक स्पेशल है, जस्ट बिकॉज ऑफ एन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने जयपुर में हवा महल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हमारे जो यंगस्टर्स है उनको हवा महल से ज्यादा इंटरेस्ट है उसके जो सामने जो कैफे बना हुआ है उसमें। एंड यू विल फाइंड इट अमंग द बेस्ट डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, और जो भी इंस्टाग्रामर जो भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो लोग उस कैफे में जाके फोटो खिंचाने का बड़ा शौक रखते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कैफे है। एंड उसका कहते ना कि उसका यूनिक, उसकी अपने आप में खासियत ये है कि वो हवा महल के सामने बना हुआ है। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि हवा महल से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में कुछ बताया जाए। तो शुरू करते हैं आज का इंस्पायरिंग वीडियो। सो फ्रेंड्स, आई हैव रीच्ड ऑन द वे टू द कैफे, और यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत डिस्टर्बेंस है, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक्चुअली ये कैफे किस साइड है। ये बिल्कुल हवा महल के बिल्कुल सामने वाले डायरेक्शन में है। आई विल शो यू ऑन द वीडियो। Go to the tattoo lounge. And here comes. Yes. So this is the way to the tattoo lounge. We'll go here. मैं इसके फर्स्ट मंजिल पे पहुंचूंगा, लेकिन हमारा जो कैफे है दैट इज ऑन द सेकंड फ्लोर। सो हियर इज द वे टू द सेकंड फ्लोर।
फ्रेंड्स, एज यू कैन सी मैं हवा महल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन व्यू है। और अब रोड पे खड़े होकर फोटोग्राफ्स लोगे लेकिन उससे अच्छा व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। और इस रेस्टोरेंट का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, इट्स द टैटू कैफे, आई शो यू द नेम, एंड इट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ द हवा महल। और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है और इट्स एक नॉर्मल कैफे है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सैंडविच और ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर यू लाइक टू हैव, कॉफी एंड एवरीथिंग। सो ये बहुत ही अच्छी जगह है और मैं आपको थोड़ा सिटी का एक ओवरव्यू दिखाना चाहूंगा। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें दिखने को मिल सकती है, यहाँ से आपको आमेर फोर्ट भी दिखेगा और सिटी पैलेस भी दिखेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिस इज द हवा महल और ये जस्ट इसके बैक साइड में आप जो देख रहे हैं ये है, दैट इज अ सिटी पैलेस, ये दिस प्लेस इज सिटी पैलेस एंड ये आमेर फोर्ट जो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं और ये पूरा जयपुर शहर यहाँ से। आप कभी भी जयपुर आएँ और अगर आप हवा महल घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस जगह को आना ना भूलिएगा। हवा महल डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन ये जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ एंड और उसका एक अलग ही मज़ा होगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो डेस्टिनेशन है ये फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही कहते ना वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है। प्री वेडिंग शूट्स होते हैं यहाँ पे और उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे शूट्स करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जो हवा महल का जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, ये जयपुर की सभ्यता को, जयपुर की हिस्ट्री को दर्शाता है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया एक मॉन्यूमेंट है। और इस कैफ़े ने यहाँ पे अपनी एक नाम बनाई है, एक कहते ना अपने आप एक माइलस्टोन क्रिएट किया गया है बिकॉज ये जस्ट उसके सामने है। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा, आप जब भी यहाँ पर आएँ तो टैटू कैफ़े में आना ना भूलिएगा। इसका नाम टैटू कैफ़े इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कैफ़े के साथ में यू कैन मेक सम टैटूज ऑल्सो, आप टैटूज भी बना सकते हैं। हालांकि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ टैटू बनाने के लिए एंड आई मैं यहाँ पे अभी कुछ ऑर्डर किया है, कुछ चॉकलेट शेक जैसा कुछ मैंने आई गेस लस्सी ऑर्डर किया मैंने और वो मुझे नीचे जाके मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं जस्ट तब तक मैं आपको ऊपर का ओवरव्यू दिखा रहा हूँ और ये बहुत ही प्यारा व्यू है। सो आई होप मेरा ऑर्डर नीचे रेडी हो गया होगा। तो लेट्स सी, कैफ़े दिखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन खाने पीने की चीज़ें कैसी है हम जरा उसको भी टेस्ट करके देखते हैं। So I have selected a special place for me और बहुत ही अच्छी जगह है ये, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, आप देख सकते हैं। आई गेस दिस इज अ प्लेस वेयर टैटूज आप बनवा सकते हैं यहाँ पर, अभी बहुत ही अच्छा जगह है ये।
ये एक लॉन्च टाइप एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देर आर डिफरेंट प्लेसेज वेर यू कैन सिट, या तो आप बाहर बैठ सकते हैं या एक दिस एरिया यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट, अगर आप यहाँ पे बैठना चाहें तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। एंड रूफ टॉप में जो मैंने बताया वहाँ पे सब कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पे भी बैठना अलाउड नहीं है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी जगह है, देख सकते हैं यहाँ पे भी एक तरह की प्राइवेसी है, बहुत ही अच्छी जगह है, आप आराम से यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, कॉफ़ी पी ले सकते हैं और चिल मार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आई हैव सेलेक्टेड सो गाइज फाइनली आई एम सिटिंग हेयर और मैंने एक ठंडी सी लस्सी ऑर्डर की है, हालांकि अभी ठंड चल रही है लेकिन काफ़ी महीने हो गए लस्सी पिए, तो मैंने सोचा लस्सी ऑर्डर करते हैं। और सामने बहुत ही बेहतरीन व्यू है, आप देख सकते हैं यस आई कैन सी द हवा महल जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई कैन सिट एंड एंजॉय द लस्सी, और बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आई आई डेफिनेटली रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि हम घूमने के लिए आएंगे तो हम थक जाते हैं और मोस्टली गर्मी के टाइम कुछ ना कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, तो अगर आप इस जगह को एक्सप्लोर करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी अ बेटर व्यू ऑफ हवा महल। और हवा महल के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बाहर से जितना खूबसूरत है उतना अंदर से इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं वैसे, क्योंकि लोग ज़्यादातर इसके बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। तो दिस कैफे इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन आई वुड रिकमेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन, एन्जॉय योर डे।